नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी फैमिली। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मुक्तेश्वर में हो रही है बारिश सुबह से। कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि पूरे बादल यहाँ पर भर चुके हैं और सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है पहाड़ में। आप देख सकते हैं मौसम किस प्रकार से हुआ है अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग किस प्रकार से अभी मौसम हो रहा है और मुझे जाना है चौखुटा, तो थोड़ा बहुत वहाँ के भी नज़ारे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के डेली ब्लॉग में इस चैनल पे डालते रहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आते होंगे और इसी तरीके का प्यार जिस तरह से आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है आगे भी आप इसी तरह का अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं घर से चौखुटा के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि मौसम अभी कैसा दिख रहा है। देखिए मौसम खूबसूरत, क्लाउड अभी आए हैं आसमान में और बूंदाबांदी हल्की दुल्की बूंदाबांदी हो रही है। थोड़ी बहुत नमी यहाँ पे बनी हुई है, रात को भी थोड़ी बारिश हुई थी। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड, घर से निकलते हुए सामने देखिए, मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। पूरा आसमान से नीचे को बादल आ रहे हैं, एक आपको लग दिख रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है पूरी बादलों ने घाटी ढक दी है। यह है ठाकुर बाबा टॉप और ठाकुर बाबा टेम्पल है वहाँ पर, काफ़ी ऊँचाई पर है और इस प्रकार का माहौल अभी पहाड़ों पर बना हुआ है। 4 डिग्री अभी टेम्परेचर है, देखिए क्या होता है। बूंदाबांदी तो दिन भर हो रही है। दोस्तों ये है पहाड़ों की जड़ी बूटी, आप पहचान रहे हैं इसको, कंडाली बिच्छू घास। और मैं पहुंच चुका हूं, रोड से पहुंचने वाला हूं। सामने में है यहां पर रोड और मुझे जाना है यहां पे, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, पेंट वेंट किया है मैंने, उसकी फुटेज भेजनी आगे। और इस प्रकार का अभी व्यू हुआ है, देखिए पूरा ढक गया है, धीरे धीरे मौसम ढकते जा रहा है और हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। देखते हैं क्या होता है शाम तक का मौसम। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूं, मेरे पीछे ये घर देख रहे होंगे आप, मैं आपको दिखाता हूं एक बार और थोड़ा इधर से आपको लुक दिखाता हूं। तो यहां पे कुछ यहां पे पेंट किया हुआ है, एक जीने पे जीना लगाया हुआ था तो उस पे पेंट किया है और उसी की फुटेज मैंने भेजनी है ओनर को। तो फुटेज लेते हैं, ओनर को भेजते हैं, फिर आगे चलते हैं और आप लोगों को पूरा अभी व्यू दिखाना है, मैंने पूरा मौसम दिखाना है किस प्रकार से अभी मौसम हो रहा है पहाड़ों में, क्योंकि लग रहा है बर्फ़ होगी। मुझे भी लग रहा है कि बर्फ़ पड़ेगी क्योंकि जिस हिसाब से अभी मौसम बन रहा है। और मेरे पीछे देखिए चारों तरफ पूरा मौसम भर चुका है, आप देखें जहाँ भी आपको नज़र आएगा पूरा मौसम यहाँ पे बादलों से ढक गया है और हल्की बूंदाबांदी। तो ये वो घर है, आप देख सकते हैं, इसकी भी मैंने कई बार वीडियोज डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो चैनल पे आपको मिल जाएंगी, चैनल में विजिट करिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर पूरा काम हुआ है अभी तक। और देखिए कस्यालेक यहाँ पे पास में कस्यालेक है, कस्यालेक से लगा हुआ यह प्लॉट है और खूबसूरत यहाँ से भी व्यू आता है, आप देख सकते हैं। और मौसम देखिए पूरा खुशनुमा मौसम, मौसम ने अपना एकदम रंग बदल दिया है, मौसम का मिजाज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है अभी पहाड़ों पर। और ये जो आप जीना देख रहे हैं, जीना के वहाँ पर जो एंगल लगा रखे हैं ये रेलिंग, तो इनमें पेंट हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो इसी की फुटेज लेनी थी मैंने, इसी की फुटेज यहाँ से लेते हैं फिर चलेंगे आगे की तरफ। और व्यू देखिए अभी पहाड़ों में खुशनुमा मौसम हो रखा है, खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी मैं चल दिया हूँ चौखुटा की तरफ और रोड देखिए बिल्कुल डामर रोड, पानी के बढ़ते ही एकदम काली हो चुकी है और सामने कुछ बाहरी लोगों के कॉटेजेस। और मैं आया ऊपर जो आपको कॉटेज दिख रहा है वहाँ से और देखिए बूंदाबांदी आपको महसूस हो रही होगी, हल्की मल्की नज़र आ रही होगी आपको। तो चलते हैं चौखुटा की तरफ और देखिए व्यू अभी कैसा आ रहा है, घनघोर बादल छाए हुए हैं। ये कुछ बढ़िया नमूना कॉटेज का, देखिए किस प्रकार की लैंड में, एकदम खड़ी लैंड में यहाँ पर कॉटेज बनाया हुआ है और क्या शानदार कॉटेज बनाया हुआ है। आप लोग समझते हैं कि लैंड खड़ी है, लैंड ये है वो है, लेकिन पहाड़ों में लैंड ऐसी ही होती हैं, ज़्यादातर अमूमन लैंड ऐसी ही मिलती हैं और इसी तरह की लैंड पे डेवलप करना पड़ता है लैंड को और फिर जाके अपना घर बनाना पड़ता है। जैसे सामने में इस घर को देखिए कैसे इसने खड़ी चढ़ाई में, मतलब स्टेप वाली एकदम खड़ी लैंड में घर बना रखा है। और सभी लोगों के घर आप देखोगे तो इसी तरह से पहाड़ों में मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि इसी तरह से पहाड़ों में घर बनते हैं और लैंड को डेवलप। देखिए एकदम खड़ी लैंड में किस प्रकार से डेवलप किया है घर और कितना खूबसूरत घर लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से पहाड़ों पर घर बनाया जाता है दोस्तों, लैंड कैसी भी हो, देखिए एकदम कैसी लैंड है, एकदम खड़ी लैंड, ऐसी लैंड में यहाँ पर घर बना रखा है। लैंड मायने नहीं रखती है, लैंड कैसी है, लैंड को डेवलप करना पड़ता है पहाड़ों में, तब जाके घर बनाया जाता है। तो खूबसूरत मौसम अभी हुआ है, सभी जगह आप देख सकते हैं पूरा वेदर ढक चुका है बादलों से, कोहरा वोहरा आ चुका है और बारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो देखते हैं रात तक क्या। तो दोस्तों ये है कस्यालेक मार्केट से नज़ारा और सामने मुक्तेश्वर घाटी के ऊपर भी घनघोर बादल छाए हुए हैं, देखिए। तो फ्रेंड मैं अभी पहुँच चुका हूँ चौखुटा पे और काम यहाँ पे
चला हुआ था सुबह से, लेकिन यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, अभी काम की छुट्टी करनी पड़ेगी। और मौसम देखिए पूरा पैक हो चुका है पहाड़ों पर, पूरा घनघोर मौसम छाया हुआ है, पूरे कोहरे से मौसम ढक चुका है और बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा यहाँ। और रोड देखिए मेरे पीछे, रोड पूरी गीली हो चुकी है। मैं ले चलता हूँ अभी आपको साइड पे किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि छुट्टी कर दी है काम की अभी। तो दोस्तों बारिश होने की वजह से काम की छुट्टी करनी पड़ रही है। और देखिए जो अभी काम हुआ सुबह के टाइम में, कॉलम जो कल भर दिया था और इसके पीछे जो रिटेनिंग वॉल थी ये थोड़ी बहुत इस पर चिनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और साथ में ये वाला कॉलम की भराई हुई है और इसके साथ की बुनियाद जो हुई उस पर डीपीसी हुई है। ये कुछ नज़ारे हैं चकोटा से अभी। तो मौसम अभी मौसम जो बदल चुका है पूरा, बारिश होने लगी है, उस वजह से अभी काम रोकना पड़ेगा। तो निकलेंगे यहाँ से कचलेक की तरफ और घर की तरफ, काम अभी हो नहीं पाएगा आगे। फ्रेंड आपने देखा काम किस तरीके से यहाँ से सुबह हुआ, क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो चुका है, पत्थर भीग चुका है, आप देख सकते हैं मौसम पूरा भर चुका है, बारिश हो रही है, तो काम हो पाना मुश्किल हो पाएगी। तो दिन सुबह जो काम हुआ मैंने आपको दिखाया, अभी पूरा पत्थर भीग चुका है, काम हो नहीं पाएगा, ऊपर से लगती है ठंड हाथों में। तो कुछ इस प्रकार के अभी नज़ारे हैं यहाँ पर और मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है, सुहाना मौसम पहाड़ों का। दोस्तों कसाले से मैं निकल चुका हूँ, आपने कसाले का माहौल अभी देखा और रोड देखी नीचे पूरी गीली हो चुकी है बारिश की वजह से। और थोड़ा बहुत जितना भी अभी कोहरा पूरा छाया हुआ था पहाड़ियों पे, कोहरा धीरे धीरे अभी हट रहा है और मौसम देखिए सामने की तरफ खूबसूरत मौसम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड कसाले से आ चुका हूँ मैं घर की तरफ और अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है और देखिए सामने क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। बारिश हो रही है और बढ़िया धुंध छाई हुई है पहाड़ियों पे और बर्फ़ से पहले की कुछ ऐसी ही निशानियाँ होती हैं, बर्फ़ गिरने से पहले कुछ माहौल ऐसा ही बना रहता है। तो बारिश रुक चुकी है अभी, माहौल कुछ इस प्रकार है, मौसम कुछ इस प्रकार है और व्यू कुछ ऐसा आ रहा है अभी। तो देखते हैं अभी, वेट करते हैं क्या होता है। तो चलता हूँ घर की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड मैं पहुँच चुका हूँ घर पर और देखिए व्यू कैसा आ रहा है अभी। ये आ रहा है अभी व्यू घर से और देखिए आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं। कुछ इस प्रकार का माहौल अभी बना है पहाड़ों में, देख सकते हैं आप। और सामने देखिए थकुड़ बाबा टॉप और काफ़ी बढ़िया वहाँ पे भी आसमान से नीचे ऐसा लग रहा है बादल आए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत अभी मौसम लग रहा है। तो दोस्तों अभी 4:30 बजे का समय हो रहा है और फिर से बारिश यहाँ पे हल्की दुल्की स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। और रात भर ऐसी बारिश रही तो रात को अगर यही बारिश बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी और सुबह बर्फ़ देखने को मिलेगी। और सामने खेतों को देखिए कितना बढ़िया हो गया खेतों के लिए, मटर बोई है, ऊपर गेहूँ बोए हैं, तो इनके लिए भी बढ़िया हो गया, किसानों के लिए काफ़ी बढ़िया हो गया। आलू की जो लगवाई होती है, आलू जो लगाते हैं लोग, उसके लिए भी बढ़िया हो गया। तो मौसम कुछ इस प्रकार का अभी पहाड़ों में, बढ़िया मौसम बना हुआ है और देखिए क्या होता है, मैं कल दिखाऊंगा आपको और अभी शाम तक दिखाता हूँ किस प्रकार का मौसम। फ्रेंड अभी बज रहे हैं 5:30 और मौसम देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है और देखिए पानी कितना बह रहा है अभी जो पाइप से आ रहा है, तो लगा सकते हैं पानी का फ्लो कितना होगा। और देखिए खेत पूरे भीग चुके हैं, बढ़िया नमी मिल रही है खेतों को। तो इस प्रकार है अभी शाम के समय में पहाड़ों पर मौसम। और देखिए अगर ऐसा ही मौसम रहा, रात भर ऐसी बारिश रही, ठंडा रहा, तो चांसेज हैं बर्फ़ गिरने के खेतों को भी। सामने बढ़िया नमी मिल चुकी है, 6:00 और देख सकते हैं लोग गांव में, लोगों ने अपने घरों की लाइट जला दी है और मौसम कुछ इस प्रकार बना हुआ है अभी, पूरा ढक चुका है कोहरे से और बारिश अभी लगातार चली हुई है। और हम बैठे हैं घर पे मस्त आग जला के, बॉनफायर कर रहे हैं और आग के मज़े ले रहे हैं। बारिश देखिए अभी चली हुई है, पूरा भीग चुका है घर का आंगन भी और माहौल कुछ इस प्रकार है अभी। तो दोस्तों करते हैं ब्लॉग को एंड यहीं पे, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज का मौसम आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा।